यार दुनिया में अगर सबसे अद्भुत चीज कोई है तो वो है म्यूजिक। अब इस बात को एक म्यूजिक लवर ही समझ सकता है कि म्यूजिक का क्या टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट को दुगना करने के लिए यहां पर मैं आपको तीन अरिजीत सिंह के ऐसे अंडररेटेड सॉन्ग सुनाने जा रहा हूं जिसे अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपका पूरा दिन बन जाएगा। तो इस लिस्ट की नंबर 3 पर जो गाना है उसका नाम है पल पल खेलती है जिंदगी। दोस्तों ये गाना आपका मतलब आपके दिमाग की सुर खोल देगा। तो इसके बाद नंबर 2 पर है जो गाना वो लिया गया है फिल्म सिटी लाइट से। और इस गाने के क्या लिरिक्स हैं, इस गाने का नाम है एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए। ये वाओ चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं ये जो गाने हैं ना, जब मैं अपने, हाँ एक बात बता देता हूँ कि आप ये सब गाने जो है ना हेडफोन या एयरफोन लगाकर ही सुने, इससे आपका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे एक चिड़ैया गाने की, तो इसके जो लिरिक्स है ना मतलब कवि ने क्या कह के प्रो दिया, माइंड ब्लोइंग सच में। ये गाना जो है ना रात में अगर फ्रेश मूड से सुने ना, थोड़ा सा आंखें बंद करके, तो दिन यार रात बन जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर पे जो सॉन्ग है कितनी अच्छी तरह से गाया अरिजीत सिंह ने, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। पता नहीं ऐसे गाने को इतना प्यार क्यों नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि इंडिया में जो है ना पब्लिक म्यूजिक का टेस्ट नहीं रखती है, वरना ऐसे सॉन्ग तो भाई ये बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। तो इस लिस्ट की नंबर 1 पर जो सॉन्ग है वो है लाल इश्क। ये लाल इश्क ये मलाल, क्या मतलब यार, इस दिल खुश हो जाता है इस गाने को सुनने। अच्छा अब आप एक बात बताना, अभी आपने तीनों गाने सुने, इन तीनों में से आपको बेस्ट कौन सा लगता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि आप एक म्यूजिक लवर है, मैं समझ सकता हूँ आप कौन सा सॉन्ग बताएंगे। तो ये वीडियो जो मैंने बनाया था इसलिए क्योंकि मुझे अरिजीत सिंह अच्छा लगता है, लेकिन सच बात तो ये है कि अरिजीत सिंह की आवाज से ज्यादा मुझे अरिजीत की सिंप्लिसिटी अच्छी लगती है। उसकी सिंप्लिसिटी लेवल इज अनदर लेवल यार, मतलब क्या ही बताऊं। तो फिलहाल आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका सबसे बेस्ट मतलब सॉन्ग कौन सा है अरिजीत सिंह का, प्लीज कमेंट जरूर।